गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था आपका पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है जेंडर, कास्ट, रिलीजन। ओके, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जेंडर से बेसिस क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, क्या इनइक्वालिटीज हैं और उसके बेसिस पे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है। ओके, फिर से हमने रिलीजन एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द कास्ट। ओके, हम जेंडर और पॉलिटिक्स को हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो जिसमें हमने केवल यहाँ तक कंप्लीट किया था कि जो जेंडर से रिलेटेड जो क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उसका कारण क्या था वो देखा हमने। इसमें हमने लिटरेसी रेट, ओके, फिर उसके बाद में जो इलेक्शन टाइम कितनी वुमेन्स कैंडिडेट पार्टिसिपेट करती हैं, तो उस नंबर में दोनों ही हमने देखा था कि लिटरेसी रेट एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन्स द नंबर ऑफ वुमेन जो पार्टिसिपेट करती हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू मैन। देन हमने देखा चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसमें कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको प्री मेच्योरली उसकी माँ की जो कोप होती है उसी में मार देता है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन इंडिया उनकी यही कामना होती है कि दैट ज़्यादा मीन्स या फिर उनके घर में केवल लड़का ही जन्म ले। ओके, आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसको हम कंपेयर भी करेंगे फ्रॉम वर्ल्ड वर्सेस इंडिया। ओके, ना ऑल दिस इज वेल नोन, येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा हमेशा से रहता है, वुमेन्स आर नॉट गिवन एन इक्वल अटेंशन किसी परस्पेक्टिव में, चाहे वो हम एजुकेशन पे बात करें, चाहे उनके जॉब पर बात करें। ये भी देखा गया है जब वो जॉब पर जाती हैं तो उनको कम सैलरी में हायर किया जाता है, बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट में उनको काम नहीं दिया जाता है, और उसके साथ साथ वे बहुत ही कम सैलरी में एज नॉमिनल सैलरी जो एक मैन जो अर्न करता है उससे कम सैलरी में रख लेता, हालांकि जो काम वो करके दे रही हूँ शायद उनसे ज़्यादा हो या उनके इक्वल हो, बट लेकिन स्टिल उनको कम सैलरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेट अटेंशन ना देना ये रीज़न है। दिस हैज लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट टू द कंक्लूजन दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर द प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडवोकेट अटेंशन। तो ऐसे बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए, तो उनका जो कंक्लूजन ये लिखा जब तक कि वुमेन्स को की पावर जब तक उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा तब तक उनकी प्रॉब्लम को एडवोकेट सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा। तो कहना कि उनको एम्पावर करना पड़ेगा, कहना कहीं पावर्स जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो पावर्स गिवन है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जब जाके वुमेन विल गेट एन एडवोकेट अटेंशन। वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका एक और जो कंक्लूजन ही निकलता है कि एक कारण है जिससे कि हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहें और वो एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनी जाए, और फिर वो हम बोल सकते हैं कि वुमेन के वेलफेयर के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठा सकते हैं। इन इंडिया द प्रपोर्शन of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 12% of its total strength for the first time in 2014. तो हम अगर proportion देखें women का legislature में, हम legislature यानी कि जो लोकसभा होती है, जो राज्यसभा की सांसद होती हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, वहाँ पर जो वुमेन कैंडिडेट जो इलेक्टेड होती है ना, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं चुनाव जीतना पड़ता है जब जाके वो स्टेट असेंबली में एज ए लेजिस्लेचर काम कर सकती हैं या फिर एज ए पार्लियामेंट में वो इलेक्ट हो सकती हैं, तो वहाँ पे जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2014 में लोकसभा में जो इलेक्टेड वुमन मेंबर्स का जो परसेंटेज था वो 12% तक पहुँचा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ओके, अगर हम देखें आउट ऑफ 100% देयर आर ओनली 12% ऑफ वुमेन हु आर इलेक्टेड एज ए लोकसभा मेंबर। Their share in the state assembly is less than 5%. अब हम बात करें state assembly की, state assembly में उनका share और भी ज़्यादा कम है, only 5% ही। In this respect, India is among the bottom group of nation in the world. अगर हम पूरे world से compare करें तो India में number of elected representative as a woman सबसे कम है। यही आपको explain किया गया page number 44, जहाँ पर graph के through आपको एक्सप्लेन किया गया वर्ल्ड में एवरेज परसेंटेज जो है वुमन पार्टिसिपेशन इन देयर असेंबली, द एवरेज परसेंटेज इज 24
और इंडिया इज जो इंडिया जिस स्थान पर है वो है ओनली 11.8%। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बहुत सारे सेवरल डेवलपिंग जो कंट्रीज है लाइक अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका, उनसे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ देखिए, जो नॉर्डिक कंट्रीज है लाइक हमने स्वीडन का एग्जांपल लिया था, स्वीडन एक ऐसी कंट्री, नॉर्वे एक ऐसी कंट्री जहाँ पे वुमेन की कंडीशंस एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा जो एक डेवलप कंट्री वहाँ में स्वीडन और नॉर्वे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इनकी कंडीशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वुमेन से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो जो नॉर्डिक कंट्रीज है वहाँ पे आप देखिए वुमेन का पार्टिसिपेशन इन देयर पार्लियामेंट देखिए वहाँ पे कितना है, ओनली जो पार्ट जो परसेंटेज है 42.3%, जो कि बहुत ज़्यादा हाइएस्ट परसेंटेज है अमंग द वर्ल्ड। देन कम्स अमेरिका 29.5, यूरोप 26.4, ओके सब सहारन अफ्रीका 23.7, एशियन का एशियन जो कॉन्टिनेंट उसमें 19.8, अरब स्टेट्स में 18.6, पैसिफिक रीजन में 15.6 एंड इंडिया का देखिए सबसे कम, इट इज़ वन ऑफ लोवेस्ट परसेंटेज अराउंड द वर्ल्ड। ओके जो बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री है अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, वहाँ से भी हमारी परसेंटेज कम है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी जो मेल मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर उनकी संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमन कैबिनेट मिनिस्टर। ऑल दो अगर चाहे किसी भी स्टेट या देश के प्रधानमंत्री भी अगर वुमन बन जाए उसके बावजूद भी ये देखा जाता है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स उसमें जो मेल पर्सन है उनके नंबर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमन। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमन इन द इलेक्टेड बॉडीज। अब इस तरीके को सही कैसे किया जाता है, एक ऐसा तरीका कि जहाँ पे हम फेयर चांस दें वुमन को और कहीं ना कहीं देखिए इक्वल प्रोपोर्शन या फेयर प्रोपोर्शन हम सीट्स रिजर्व कर दें वुमन के लिए कि वहाँ से केवल एक वुमन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सके। दिस इज वॉट द पंचायत राज हैज डन इन इंडिया। जो पंचायती राज है जो सबसे लोवेस्ट लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है या फिर जो लोकल गवर्निंग बॉडी होती है पंचायत राज, वहाँ पे ये काम किया। वहाँ पे 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकल गवर्निंग बॉडीज यानी कि पंचायती राज में 1/3 यानी 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमन। केवल वहाँ पे एक वुमन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकती है उन 33%। सपोज कीजिए एक स्टेट है वहाँ पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टेट है वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है ना पंचायती राज है वहाँ पे मान लीजिए 100 जगह पर या 100 ऐसे गांव जहाँ पे इलेक्शंस होंगे, उन 100 गांव में से 33% जो या फिर 33 ऐसे गांव हैं जहाँ पे केवल एक वुमन ही इलेक्शन लड़ सकती है। तो ये एक टाइप का सा प्रोपोर्शन है। ओके नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमन रिप्रेजेंटेटिव इन अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इस तरीके से जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है वहाँ पे इस फायदा के आज देश में 10 लाख ऐसे वुमन कैंडिडेट जो कि एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अपने पंचायती राज और मीन्स अपने अर्बन और लोकल अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज। ओके अर्बन यानी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहाँ पर पार्षद के इलेक्शन होते हैं वहाँ पर वुमेंस का पार्टिसिपेशन फेयर माना गया है। वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। तो ऐसे ही बहुत सारे वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अब इसकी भी डिमांड करें कि जस्ट लाइक द लोकल गवर्नमेंट में जो आपने कदम उठाया 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सेम ऐसा ही आप लोकसभा एंड एज वेल एज द स्टेट असेंबली में भी नियम लागू किया जाए। ए बिल विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर फ्रॉम देन अ डेकेड। और ये जो बिल है जब कोई प्रपोजल मतलब लॉ बनने के लिए प्रोसेस में रहता तो उस प्रपोजल को हम बिल कहते हैं। तो ये बिल पेंडिंग है ओवर द डेकेड्स 10 साल से ज़्यादा इस समय इस चीज बिल को हो गया है, वो आज पार्लियामेंट में पेंडिंग बिल में पड़ा हुआ है। बट दिस इज नो मोर कॉन्सेंसस ओवर दिस अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज द बिल हैज़ नॉट बीन पास। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही बोल सकते हैं हम जानबूझ के क्या डिले किया जा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत सालों से इस बिल को पास नहीं किया गया। जेंडर डिवीजन इज एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं जेंडर डिवीजन हमें ये शो एक एग्जांपल दिखा रहा है कि
जो सोशल डिविजन्स हैं उनको पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर वुमन अगर हो सकता है कि वुमन अगर पॉलिटिक्स में या फिर लेटर रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में अगर आगे बढ़े तो हो सकता है जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमन्स के साथ वो कम हो। दिस सो द डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो बेनिफिट वन सोशल डिविजन बिकम ए पॉलिटिकल इशू। और कई बार ये देखा गया है जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको एक बार बेनिफिट मिलता है जब सोशल डिविजन एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। कई बार देखा गया होगा आपने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप का फ़ायदा उठाते हैं ना, इलेक्शंस के टाइम उनको ये बता के दैट द फॉलोइंग पार्टी इज नॉट डूइंग गुड फॉर देयर वर्क, जब हम आपके इलेक्शंस में खड़े होंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, उन जो भी पास्ट में जो हो चुका है उनका इश्यू बना के से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को जीतने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे कई बार क्या होता है ऐसे लोगों को पीपल को एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जब वो पार्टी सत्ता में जाती है तो उनको उनके लिए वो अच्छा काम भी कर जाते हैं। ओके, डू यू थिंक दैट वुमन कुड हैव मेड गेन्स वी नोटेड अबव इफ द अनइक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट फेस्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन? अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है अगर जैसे लाइक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोकल अर्बन बॉडीज में उनके रिजर्वेशन ऑफ सीट्स या फिर पॉलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में वो इलेक्ट होंगी तो क्या इससे वुमेन्स को फायदा होगा? और अगर हम ऐसा ना करते तो क्या वुमेन्स की कंडीशन आज भी डिटर्ड होती? तो कहने की सोचने वाली बात है यस, अगर किसी भी वर्ग के इंसान को चाहे वो किसी लोअर कास्ट का पीपल हो चाहे वो एज अ जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो रही हो किसी वुमेन के ऊपर, अगर जब तक वो एज एन हम ये बोल सकते हैं एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तौर पर खड़ा नहीं हुआ जब तक वो अपने लोगों के लिए काम नहीं करे तब तक उनके अंदर वो इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में अगर उनको इन्वॉल्व ना किया जाए या फिर हम ये बोल सकते हैं एज ए वुमन इफ दे डिडंट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स तो ये माइट हम बोल सकते हैं दैट वुमन कंडीशंस वैसे की वैसी रहती एक अच्छे मतलब हम ये नहीं बोल सकते दैट दे माइट गेट एन इक्वल राइट्स अगर वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिविजन। ओके, अब हम बात करेंगे रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में। ओके, तो इसका केवल हम इंट्रोडक्शन लेंगे बेसिकली, इसके बाद में हम कम्युनलिज्म जो आपका इसका मेन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज कल इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ओके, जो सोशल डिवीजन होते हैं तो उसमें एक टाइप का सोशल डिवीजन होता है वो रिलीजियस बेस्ड डिवीजन भी रहता है। ओके, दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज वेरी वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टूडे। अब ये यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ डिवीजन नहीं, यूनिवर्सल फॉर्म डिवीजन यानी कि यूनिवर्सल यानी कि बहुत पुराना डिवीजन है और ये चलता जाएगा, जैसे लाइक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो यूनिवर्सल डिवीजन है बिकॉज बाय बर्थ ही ये डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है क्योंकि उनको बॉय और गर्ल में बीच में डिफरेंस कर दिया जाता है। अब रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है यूनिवर्सल नहीं है, ये बाद में जब वेरियस रिलीजन्स फॉर्म उसके बाद में डिवीजन होना स्टार्ट हुए और आज कहना कि फेयरली जितनी भी ज़्यादा सारी कंट्रीज है वहाँ में कहीं ना कहीं रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी आपको देखने को मिली जाएगी। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के लिए इंडिया नहीं है, ऐसे और भी कंट्रीज है जहाँ पे हम उनकी कंट्री विद इन देयर कंट्रीज वहाँ पे डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं एज ए पॉपुलेशन एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नदर्न आयरलैंड, जैसे हम नदर्न आयरलैंड का हम केस ले लेते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन ऑल्दो वो थे क्रिश्चियन ही बट ड्यू टू सम सीरियस इश्यूज डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन प्रैक्टिस बिकॉज कैथलिक्स में कुछ अलग ट्रेडिशन कल्चर्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स में अलग ट्रेडिशन कल्चर, इन वजह से इन मतभेदों की वजह से वहाँ पे विद इन द रिलीजन दे हैड देयर डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटीज। ओके, सो अब जब बात हम करेंगे डिफरेंट रिलीजन्स की तो वहाँ पे और भी हो सकता है कि और ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाए और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज भी देखी जाए। तो अनलाइक जेंडर डिफरेंस द रिलीजियस डिफरेंस आर ऑफन एक्सप्रेस इन डिफरेंट फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, जस्ट लाइक जेंडर पॉलिटिक्स या आपको एक्सप्रेस वैसे ही रिलीजियस डिफरेंसेस भी एक्सप्रेस किए जाते हैं पॉलिटिक्स में। इसमें सबसे पहले हम कंसिडर कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था, ही यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, धर्म को हम कभी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर पाएंगे।
What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. तो उनका ये statement उन्होंने क्यों दिया था? उन्होंने specifically Hinduism और Islam पर comment नहीं किया था. उन्होंने comment इस basis पे किया था कि that कहीं ना कहीं जब आए जो political leaders हैं उनको कहीं ना कहीं एक ethically एक line draw करनी चाहिए दैट रिलीजन मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स. बट लेकिन ऐसा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द लीडर्स आज के समय में एंड इवन फ्रॉम द पास्ट रिलीजन को एक आड़ बनाकर पॉलिटिक्स की गई है. देन सेकेंड स्टेटमेंट, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन अवर कंट्री हैव अर्ज दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन अवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटीज. जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है उन्होंने गवर्नमेंट से एक अपील की है दैट जितने भी जो राइट्स होते हैं दंगे होते हैं उसमें जो रिलीजन माइनॉरिटी ग्रुप के पीपल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं. तो दे हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट दिस रिलीजियस माइनॉरिटीज. तो उन्होंने गवर्नमेंट से ये अपील की है दैट गवर्नमेंट शुड टेक ए सीरियस एक्शंस और सीरियस स्टेप्स ताकि इन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए. Now, women's movement have urged that family laws of all religion discriminate against women. So they have demanded the government should change this law to make them more equitable. अब क्या होता है, especially domestic violence cases होते हैं या जो घरेलू विवाद होते हैं between जो marriage में आते हैं, for example for dowry हो गया, okay? ये सारे जो disputes होते हैं, जो family laws होते हैं, जिसमें you know जो शादीशुदा जो पीपल्स होते हैं उनके बीच में कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उनमें क्या होता है, फैमिली लॉ जो डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं. लाइक मुस्लिम लॉ बोर्ड हो गया, सिख कम्युनिटी के लॉ हो गए और अदर जो भी हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स उनके धर्म के अलग अलग वो हैं लॉज हैं. तो उस बेसिस पे जजमेंट ना करते हुए एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए या फिर एक इक्विटेबल लॉ होना चाहिए जो कि इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो गया डाउरी केसेस में इक्वली ट्रीट किया जाए. कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो विक्टिम्स होती हैं ड्यू टू देयर स्पेसिफिक रिलीजियस बोर्ड वो कई बार वो उनको न्याय नहीं मिल पाता है. तो वुमेंस मूवमेंट में ये एक बात की आर्ग्यू की गई है दैट रिलीजियस बेस्ड लॉ नहीं होना चाहिए, एक इक्विटेबल लॉ होना चाहिए जिसमें वुमेंस को इक्वली ट्रीट किया जाए. ओके, ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. But they do not have seen very wrong or dangerous. Ideas, ideals and values drawn from different religion can mix perhaps should play a role in politics. So different ideas, ideal values जो है religions की तरफ draw करने चाहिए. Otherwise क्या होता है, situation जो है बहुत ज़्यादा worse हो जाती है. People should be able to express in politics their needs, interests and demand. People को express करना चाहिए with their political values की हमारे basic needs की, अगर उनके साथ inequality हो रही है तो express करना चाहिए. But the political leaders should not make this as a topic and do some kind of politics with those religious minority people. Those who hold a political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. कहीं ना कहीं जो पावर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी इन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए अच्छे काम करने चाहिए. दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वल. तो जितना भी काम कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल रिलीजियस रिलीजन के लिए वो एक दायरे में कॉन्स्टिट्यूशनली करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए दैट एवरी रिलीजन मस्ट बी इक्वल. अगर आप किसी एक रिलीजन को ज़्यादा एच दे के दूसरे रिलीजन के लिए काम करेंगे तो दैट माइट बी नॉट अ गुड साइन ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स. जो नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. कम्युनलिज्म यही होता है जब हम पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पर करने लगे उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं. ओके, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.